करती हूँ एनर्जी स्वराज यात्रा के शुभारंभ समारोह में। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी माननीय ऊर्जा एवं माननीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह दंग जी का। तालियों से स्वागत करेंगे। तालियों का साथ बनाए रखें। साथ ही साथ डिग्निटरीज मैं स्वागत करूंगी भरत जी का, जो कि मध्य प्रदेश सत्य साई समिति के प्रेसिडेंट हैं। और मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रोफेसर सोलंकी, जिनको प्यार से सभी लोग सोलर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के फाउंडर हैं। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना में बड़ा बल, विश्वास, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। तो आइए आज के समारोह की शुरुआत करते हैं सूर्य, जो हमारे जीवन का केंद्र है, उसकी प्रार्थना से। सूर्य मंत्र का उच्चारण करने के लिए मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से डॉक्टर कालिका प्रसाद शुक्ल और उनके विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ कि वे सूर्य श्लोक उच्चारण करें। Yeah.
साथ रह करके हमको नए नित आयाम और नई नित योजनाओं की
रोज परिकल्पना भी करनी पड़ती है, उनको साकार और मूर्त रूप देने का प्रयास भी करना होता है। और मुझे विश्वास है कि उनके सफल मार्गदर्शन में, हमारे माननीय मंत्री महोदय के सफल मार्गदर्शन में, हम उनके सपनों को साकार कर मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में निरंतर बनाए रख सकेंगे। प्रोफेसर चेतन सोलंकी, जिनका नाम ही चेतन है, जो लोगों के मन और मस्तिष्क में चैतन्यता का प्रवाह करने के लिए, इस चेतना को प्रभावित करने के लिए ऊर्जा स्वराज यात्रा किया, न केवल उन्होंने स्वप्न देखा है, बल्कि उन्होंने इस को अंजाम देने के लिए 11 वर्षीय प्रण लिया है। ये अपने आप में हम सबके लिए उदाहरण है कि हम 11 दिन शायद किसी एक लक्ष्य को निरंतर संभाल नहीं सकते, और जो 11 वर्ष अपने आप को इस यात्रा में छोड़ने के लिए तत्पर है। सूरज में ऊर्जा फ्यूजन के कारण होती है। फ्यूजन एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, एटॉमिक एनर्जी जनरेट करने का, और उसके बाद नए एलिमेंट्स इससे उत्पन्न होते हैं, नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमें विश्वास है कि इस यात्रा के बाद जो चेन रिएक्शन, डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपके संपर्क में आएंगे, उनके कारण जो चेन रिएक्शन होगा, वो निरंतर सौर ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बरकरार रहेगा। हमारे लिए एक और बहुत बड़ी बात है कि इस यात्रा का नाम ऊर्जा स्वराज है। ऊर्जा और स्वराज, स्वराज यानी आत्मनिर्भरता, स्वराज यानी कि जो गांधी जी ने हम सबको स्वराज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दिया, और आज उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबको दिया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, मैं समझता हूं कि अगर हम ऊर्जा के प्रति आत्मनिर्भर हो पाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, जो स्वप्न उन्होंने देखा है कि हम अपने आप में भारत को आत्मनिर्भर कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी। आइए हम सब इस यात्रा का स्वागत करें, शुभारंभ करें। इसका स्वागत करके साथ ही अविस्मरणीय क्षणों का, सकारात्मक पहल का और स्वागत इस संकल्प का करें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर यह भी कह सकता हूँ कि पुत्र पिता की उंगली पकड़ चलता है,
किंतु मंजिल पर सफलता तभी मिलती है जब साथ चलने वाले जीवन साथी वैसे हो। मुझे खुशी है मेरी बहू रजनी ने उसका पूरा साथ दिया। चेतन और रजनी को इस मन से बधाई और आशीर्वाद दोनों देते हुए कामना करता हूँ सदैव एक दूसरे के साथ रहे और निरंतर आगे बढ़े। और पर्यावरण के इसमें एक लाइन, हर व्यक्ति यदि पर्यावरण का स्वामी न बनकर उसका संरक्षण बने तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम जी। थोड़ा सा समय की पाबंदी की वजह से हम प्रोग्राम में थोड़ी सी हेरफेर कर रहे हैं। अभी मैं निमंत्रित करना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को। इन्हें प्यार से लोग मामा कहते हैं और इनका जो हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट आई थी उससे हमें जरूर जरूर लगता है कि मध्य प्रदेश ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर भी काफी कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री जी प्लीज। मध्य प्रदेश हमारा ऐसा प्रदेश है जहां हीरे के खदाने हीरे पैदा होते हीरे निकलते हैं। उसी मध्य प्रदेश की धरती पर एक और हीरा जिसका नाम चेतन पैदा हुआ है, जिसने सचमुच में जो कहा है कि पृथ्वी एक है, हम दूसरी धरती नहीं डाल, और इस धरती को अगर बचाना है तो पर्यावरण बचानी पड़ेगा। अपना पूरा जीवन मैं केवल सौर पूजा की बात नहीं करूंगा, धरती को बचाने के लिए जिसने समर्पित किया है ऐसे श्री चेतन सिंह सोलंकी जी तालियां बजा के अभिनंदन स्वागत मध्यप्रदेश हमारे नवीन और नवकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कभी भारी बहुमत जीत के आए हैं भाई हरदीप सिंह डंगी जी, संजय दुबे जी, पूज्य पिताजी भी विक्रम सिंह जी भी बैठे हैं और धर्मपत्नी भी बैठी है। मुझे पता नहीं कि कभी सोचती कि नहीं सोचती कि कैसे पति से पाला पड़ा है। जो 11 साल एनर्जी स्वराज हम लोग भी चलाते रहे ये सचमुच में आप धन्य हैं और आप भी धन्य हैं। अगर ये नहीं होती तो आप नहीं होता। बिना धर्मपत्नी के परिवार के सहयोग की अभियान नहीं चल सकता था। आपने आइए पढ़े चाहे तो किसी भी बड़ी नेता कंपनी में काम कर सकते थे, करोड़ों रुपए कमा सकते थे, खुद के लिए एक बेहतर जीवन जी सकते थे, लेकिन अपने लिए तो सब जीते हैं। कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता तो वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता, समाज के लिए जीता है और आप तो पृथ्वी के लिए जी रहे। जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी कल्याण इसी में निहित है। धरती की सतह का तापमान यह अंदाज है 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाए। लोग आपसे कपकट कर रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं ग्लेशियर पिघलेंगे,
समुद्र सीमाएं तोड़े या मर्यादाएं तोड़े, कई धरती के लिए रूप में आए, लेकिन दूसरा खतरा बिगड़ते हुए पर्यावरण के कारण आज मानव जीवन नहीं प्राणी मात्र के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। हमको सोचना होगा हम कैसी धरती चाहें, कि धरती को आने वाले पीढ़ियों के लिए उपयोगी नहीं रहने देंगे, क्या धरती और इसके संसाधनों पर केवल हमारा हक है? धरती को खोल खोल निकालो खनिज, लगाओ परमाणु प्लांट, बनाओ बिजली, कार्बन उत्सर्जन होने दो, जहरीली गैसें निकलने दो, आने वाले पीढ़ियां बाहर में जा रहे हैं तो केवल अपने अपनी सुविधा का ध्यान रखें कि ये काम मनुष्य का है। और इसलिए चेतन जो चेतना जगा है उसमें हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। समाज में सौर ऊर्जा का नहीं, समाज धरती के अस्तित्व का है और उस अस्तित्व को बचाना है, उस पर प्राणी मात्र के अस्तित्व को बचाना है, तो हमको कार्बन उत्सर्जन कैसे कम करें, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का कैसे उपयोग करें, यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। और सूरज की ऊर्जा, अभी हमने सूर्य की उपासना की, हमारे देश में सबसे प्रमुख अगर हमारी संस्कृति में मंत्र है तो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम परमात्मा की उपासना करते हैं तो भूवत प्राणधा दुर्विना वसु स्वरूप तेरे अधिक और किसकी उपासना, मैं तेरे तेज की स्वरूप का ध्यान करता हूं और क्या तुम्हें सूर्य का हम ध्यान करता हूं, सूर्य जगत का आत्मा है और उनसे जो एनर्जी मिलेगी वो क्लीन एनर्जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोलर एनर्जी प्योर स्योर और सिक्योर है, इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचते और जिस रास्ते पर हमको चलना होगा, सोलंकी जी डॉक्टर चेतन चेतन सिंह जी आपने चेतना जगाने का जो महाअभियान प्रारंभ किया है उसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री के नाते और एक नागरिक के नाते हमने नवीनतम के लिए पूजा द्वार बहुत पहले बनाए, 2010 में, जो ऊर्जा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हम अभी हर एक बात नहीं कर सकते, हम कहें बिजली का उपयोग मत करो तो लोग तो करेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि खेती नहीं होगी बाकी चीजें उपयोग नहीं चलेंगे, हम बहुत पीछे नहीं रह सकते। लेकिन ऊर्जा ऐसी हो जो प्योर हो और वो सूरज की ऊर्जा है, पहले पहले जब हमने शुरू किया तो बहुत महंगी थी, 14-15-16 रुपया प्रति यूनिट का चाहती थी, लेकिन आपको घट गए सजे कितनी 3-4 रुपया, हमारे जो नए रेट आए थे रीवा के 2.97 रुपए, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जाएगी और कम होते जाएगी, धरती का पेड़ चीर के ऊर्जा को निकालने, जब अक्षय ऊर्जा का भंडार हमारे पास, और इसलिए हमने पहले नीमच जिले 135
30 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाए, फिर रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाए, अभी 5000 मेगावाट का 2022 तक हम 10000 मेगावाट तक इसको ले जाएंगे। और अभी तो नेट ग्रोथ करने का फैसला किया प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में, जो सरदार सरोवर की बैटरी गारंटी उनके ऊपर सोलर पैनल बिछवाए ताकि पानी का वाष्पीकरण रुक सके और सूरज से ऊर्जा मिल सके। हम इनका नया है क्या बांध पे सोलर पैनल बिछा दो, मुद्दा सर बांध को चुना है, पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछाई जाएगी, मेरा पानी भी बचेगा, उनके भाप भी बनेगा और सोलर पैनल से ऊर्जा बना के भी हम जनता को समर्पित कर देंगे। आगे दुनिया से प्रयास होंगे, सारे प्रयास पूरी गंभीरता के साथ हम करेंगे। अब घर जो जो आपने मुझे दिखाया उसमें तो ऊपर सोलर पैनल बिछा दो तो बाकी बाहर की बिजली की जरूरत ही नहीं, हमें भी एक घर बनवा दो। संजय डिजाइन करो, विभाग डिजाइन करें, हम कोशिश करें कि घर की ऊर्जा का उपयोग अगर बिजली चलाने का, पंखा चलाने का, टीवी का अगर सोलर पैनल भी बन सके तो कहां चक्कर में पड़ेगा, उसके लिए अलग कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता है। अपने सोलर लैंप बनाई है, लाखों की संख्या में लोगों को प्रेरित किया है, अपने विद्यार्थियों को प्रेरित किया, हम इसमें आगे और मैं प्रयोग करना चाहेंगे। और किसान को भी ऊर्जा जब हमारी बिजली का जो बिल है वो बिजली का जो सब्सिडी है वो 17-18 हजार करोड़ है, सोलर एनर्जी का ठीक उपयोग हो जाए इसके खर्चे घट सकते हैं, उस दिशा में हम और काम करेंगे। आज संविधान दिवस इसलिए प्रधानमंत्री जी का संबोधन 12:30 बजे मुझे नागदा में जनता के बीच बैठ के सुनना पहले से कहेंगे, मैं माफी चाहता हूं, मैंने ना आपके साथ ही चाहता था लेकिन मैं शरीर से नहीं रहूंगा, मन को आपके साथ। और एक तरह और मैं कर रहा हूं कि सोलर एनर्जी के मामले में डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये हम आप क्योंकि विचारों का आदान प्रदान जरूरी नहीं है कि आपके सामने बैठ के आपसे सलाम मशवरा करते रहेंगे, आप मार्गदर्शन देते रहिए। आप इस महाभियान के लिए जो प्राणी मात्र की सेवा का अभियान है, भारत की संस्कृति वो संस्कृति जो केवल अपने लिए जीने की बात नहीं करती, प्राणियों का सद्भाव का और विश्व का कल्याण, ये विश्व के कल्याण का काम है। रात के अभियान से हमें प्योर ऊर्जा श्योर और सिक्योर ऊर्जा इसका उपयोग करके हम आने वाली पीढ़ियों को भी सिक्योर करें, अपनी धरती को भी बचाएं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए यह तय किया कि डॉक्टर चेतन सिंह को आप देखकर पूरा सुने, मेरे पहले बोल से जल्दी जल्दी मैं करता तो ठीक नहीं रहता और मेरा भी बहुत उपस्थित रहना क्योंकि पहले से कार्यक्रम नहीं जानता मैं, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन अभी चेतन जी आप बोलेंगे, उनकी स्पीच होगी, आपकी स्पीच होगी, ये कार्यक्रम मेरा ही कहने यथावत चलता है। ऐसा करते तो फिर मैं 5 मिनट आपके साथ बैठ के, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा कार्यक्रम मेरे कारण परिवर्तित हुआ है, और आप पाएंगे हरदीप गंगी बोलेंगे मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम पूरा चले। धन्यवाद।
सब 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 सब